उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई तरमीम नहीं ऐसी वो ला सकते ना वो लाएँ, अगर लाएंगे तो हम आखिरी हद तक प्रोटेस्ट करेंगे अपना। ये भी आपको उम्मीद है कि लाएंगे नहीं? हम जो यंग वकला हैं इंशाल्लाह हम अपनी स्टेट के साथ खड़े हैं, हम अपने आयन के साथ खड़े हैं और बासियत वकला हम अपने आयन का पहरा देने को तैयार हैं, हम पहरा देंगे इंशाल्लाह। सही, आपने मुख्तलिफ बैनर्स उठाए हुए हैं, मुख्तलिफ आप नारे भी लगा रहे हैं, तो एहतजाज चलेगा कब तक? अगर आज इजलास में नंबर पूरे हो जाते हैं आइनी तरमीम तो आ जाएगी, उसके बावजूद अगर नंबर पूरे हो जाएंगे तो हम इसके बावजूद भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे, क्योंकि ये आज़ाद अदलिया पर शब खून मारा जा रहा है, इस मुल्क में बढ़ती हुई नाइंसाफियाँ बढ़ती जा रही हैं, और जब तक, क्योंकि हम एक वकला ही एक पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ हैं जो कभी भी दुबई नहीं जा सकती, और जब तक भी इस मुल्क में लाकानूनियत बढ़ती जाएगी हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, मुझे पता है ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, मतलब मुल्क में नाइंसाफ़ी जुल्म इंतहा हद दर्जे पर पहुँचा हुआ है, तो वो चाहते हैं अपनी मनमानी करनी, आज़ाद शहरियों को तो हक ही नहीं है कि वो अपने घर से बाहर निकल लें, ठीक है, तो अपने हिसाब से वो तरमीम कर रहे हैं, जो उनको सूट लगती है वो उसके मुताबिक अपने फैसले कर रहे हैं, बस यही है। तो फिर एहतजाज चलेगा आपका कि आज ख़त्म हो जाएगा? नहीं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई तरमीम नहीं ऐसी वो ला सकते ना वो लाएँ, अगर लाएँगे तो हम आखिरी हद तक प्रोटेस्ट करेंगे अपना। ये आपको उम्मीद है कि लाएंगे नहीं? हम जो यंग वकला हैं इंशाल्लाह हम अपनी स्टेट के साथ खड़े हैं, हम अपने आयन के साथ खड़े हैं और बासियत वकला हम अपने आयन का पहरा देने को तैयार हैं, हम पहरा देंगे इंशाल्लाह।